मंजी साहब दे विच कब्जे नूं लैके दो पक्षां दे आपस दे विच झड़प हुई है, जिथे नूं लैके खूनी झड़प हुंदी है ते फायरिंग भी हुंदी है। मैं उत्थों उठ के इधर आया अपने गेड़ा मारन वास्ते लंगर वल, तो यहाँ देखिए इतने भी इकट्ठ हो बहुत इतने बंदे खड़े। मैं पूछा भी की गल, वो तो कहते जी कौले बंदे क्या ही मत्था टेकना है। गोल के कट्ठे चले, मैं पाठी ने पूछा हाँ जी आ गई हूँ कट्ठे चल रहे हैं, जिन्हें बड़े जा रहे हैं ये कौले बंदे, वो कहीं सब बंदे पता नहीं है। मैं पूछा भाई राजू आ की हो गया, की करते हो तुम, ये कहते करते हो? वो मैं कहते बोलिया भाई भाई बोलना नहीं, रौला नहीं पाना, तो फोन नहीं करना, तो अभी सेवा करके तू यार परे चले परे होकर बह जाओ। उन्होंने फोन किया, उन्होंने फोन सारे घुमाते कमेटी वालों पिंड वालों सारे अनाउंसमेंट करा दी स्पीकर के उधरों जूम इकट्ठा हो गया, आ गया पिंड बई उत्थे गुरद्वारा का डाका पै गया भी उत्थे लोग आ गए बाहरले बंदे, लड़ाई शुरू हो गई है। सानू मुक्की हो गई, एक ने जनरल सिंह वाले गोली मारी, गोली तो वो बाल बाल बच गए, हो गोली लगी दरवाजा के सामने आ गए, इतने इतने आ गए, इतने फिर खूनी झड़प हुई इतने। सारा कुछ होया, कारण की सी क्यों ऐसा हमला होया? कब्जा करना चाहते जी, कब्जे आधार से जिंदे बढ़ते दाते जिंदे बढ़ते सतखंड जिंदा बढ़ता ए तिने गेटा जिंदे बढ़ के आपके जिंदे लागे हो भी साडा कब्जा इतने। अगे भी आए थे, अगे भी इस तरह जिंदे बढ़ के लागे थी, पैसे लगे तीन तीन लाख भी जग भी लगे थे अब तो साल के पहले आए, यानी इतने धाड़ भी बढ़ के आते हैं, धाड़ भी बढ़ के आता लुट मार करके चले जाते हैं। बाहर जो बंदी झड़प लोग पिंड हो रही थी, वो बंदे छड़ के जरे भज रहे, बच्चे नहंगे जो बच्चे मूहे मूँह बने थी उपरे बंदे जाने वो आदि गड्डिया उन्होंने फिर गेट दिया बाहर निकले, फिर बंदे बाहर खड़े उन्होंने गड्डिया के इटा मार उन्होंने शीशे भने। एक गड्डी जी बलोरो खड़ी जन वो कृपाना बारह बोली दफल, हालांकि नशा भी निकलिया बिचों। अनाउंसमेंट ना आँदी तुसी जिहड़े भाई साहब नाल गल करी फिर तां इत्थे होर कोई खून खराबा होना बहुत हुंदा जी, बाहर फर बहुत होने। रगला टीवी देख रहे हो तुसी, मैं हाँ सौरव अरोड़ा। पिंड जरखड़ दे विच गुरद्वारा साहब मंजी साहब दे विच कब्जे नूं लैके दो पक्षां दे आपस दे विच झड़प हुई है, जिथे नूं लैके खूनी झड़प हुंदी है ते फायरिंग भी हुंदी है। तो बाबा जी साढ़े नाल है, उन्होंने गलबात करते हैं। बाबा जी एक वीडियो भी वायरल हुई है गुरुद्वारे में झड़प हुंदी है, की पूरा मामला की है? ये मामला है जहाँ जी ये पहला भी कई बार दो झड़क हो चुकी है, तो दूसरी पास उन्होंने ट्रस्ट बनाया प्राइवेट जहाँ, तो एक मौजूदा कमेटी है 2011 चली आ कमेटी है, तो जी मौजूदा अज भी नहीं होकर आ गई है दोबारा फिर। तो मैं आपके कमरे से रैस करता सी एक तरीक प्रसादा पानी छक के, तो कमरे से गया मैं उतों उठ के इधर आया अपने गेड़ा मारन वास्ते लंगर वल, तो यहाँ देखिए इतने भी इकट्ठ हो बहुत इतने बंदे खड़े। मैं पूछा भी की गल, वो तो कहते जी कौले बंदे क्या ही मत्था टेकना है, सेवा करने के बहाने भी इतने साढ़े बाबा जी खड़े सेवादार पाठी सिंह बरांडे में गुरुद्वारे वास्त मूहरे, तो वो मैंने बाज मारी कहते बाबा जी अभी सेवा कराओ आप मारे सेवा कर दिए। भाई साहब सेवा करा अगे बढ़े जो अंदर बड़ा दरवाजा के गाह कटरे चले गोलकते गोलके कटरे चले, मैं पाठी ने पूछा हाँ जी आ की हूँ कटरे चल रहे हैं, बस जिंदे बढ़े जा रहे हैं ये कौले बंदे, वो कहीं सब बंद पता नहीं है। इन्हे जी राज सिंह राजू जी कहते हैं, ये मौजूदा सरपंच का भरा है, यदा नाम है बलजीत सिंह, ये बाहरों अंदर गया। मैं पूछा वहाँ भाई राजू आ की हो गया, की करते हो तुम, ये कहते करते हो? वो मैनू कहते बोलिया भाई भाई बोलना नहीं, रौला नहीं पाना, तो फोन नहीं करना, तो अभी सेवा करके तू यार परे चले परे होकर बह जाओ। तो मैं ही चुप करके सेवा की, मैं अपने कमरे चलिया गया, कमरे जाके फिर मैं उसे फोन मारा भी इस तरह करके बंदे बाहरों आ गए, अठ नौ दस नहंग सके, बाकी दस बारह बंदे मूँह बने थे, बाकी परे बंदे बहुत सके, बाहर गड्डी खड़ी थी बहुत गेट तो बाहर, दो तीन गड्डिया अंदर खड़ी थी जिहड़ियां असले नाल सीगे भरी हुई, तो उस करते कराओ जी अपने जब मैं फोन किया जी उन्होंने अपने इस बंद गलबात कराई है, तो उन्होंने फोन किया, उन्होंने जी फोन सारे घुमाते कमेटी वालों पिंड वालों सारी अनाउंसमेंट करा दी स्पीकर के उधरों जूम इकट्ठा हो गया, आ गया पिंड बई उत्थे गुरद्वारे का डाका पै गया भी उत्थे लोग आ गए बाहरले बंदे, तो नाल पिंड के बंदे वाले होने
ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਗੇਟ ਨੂੰ ਡੋੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚ ਗਈ ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਇਆ ਮੌਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੰਜ ਛੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਡੇਲੋ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਉਹ ਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਗੁਲਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵੱਢਤੇ ਦਸਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵੱਢਤੇ ਸੱਤਖੰਡ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਵੱਢਤਾ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਾ ਗਏ ਸੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾੜ ਵੀ ਵੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਧਾੜ ਵੀ ਵੱਲ ਕੇ ਆਪਦਾ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੋਲਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਅਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਲੱਗਿਆ ਫੇਲ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਫਾਇਰ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਰਵਾਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਜਦ ਉਹ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਝੜਫ ਲੋਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੇ ਭੱਜ ਲਏ ਬੱਚੇ ਨਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਸੀ ਉੱਪਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨਦੇ ਨੇ ਟਾਇਰ ਪਾੜਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਰੋ ਖੜੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾਨਾ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਰਫਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾਨਾ ਸੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ 7 ਤਰੀਕ ਦੇ ਝੜਫ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਯਾਨੀ ਇਸਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੂਮ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੂਮ ਇੱਧਰੋਂ ਵਧਿਆ ਫਿਰ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਹ ਡਿੱਕੇ ਆ ਗਏ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਗੇਟ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਉਹਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਗੇਟ ਆ ਨਾ ਸੂਈਰਾ ਫਿਰ ਕੰਧ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਕੰਧ ਟੱਪੇ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਹਦਾ ਬਚ ਗਏ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੱਦਾਂ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਬੀ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਈਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਅਤੇ ਜਾਬੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 2 ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆ ਇੱਕ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਝੜਪ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਏ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਂ ਬਤੌਰੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਊਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੀ 35-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ 2011 ਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣੀ 5-6 ਸਾਲ 7-7 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਪਾਠੀ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜੀ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਚਲੋ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਦੇਖੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪ ਲੈਂਥ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਪੂਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਗ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਲ ਖੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਪਿਸਟਲਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ 12 ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਪਈ ਤੀ ਉਹ ਨਿੰਘ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਲੁਕਵੇਂ ਵੀ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੂਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾਤੀ ਬਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਮੁੱਕ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ
लेकिन मैं बड़ी फुर्ती बड़ी शारी के नाल इतना मैं गया भी जिम्मे किसी का पता नहीं होंगे जाके कमरा कुंडी ला के बंद के बारह मेरा मोबाइल ना खोलना जब मेरे मारना सकता है भी मैं फोन करके उन्होंने बंद सूच किया उन्होंने फिर फटाफट नेरी वाग कट्ठे करके बच्चे मैंबर बच्चे पिंड अनाउंसमेंट करा के इतने पहुंचना किया आँदे झट शुरू हो गई। मतलब जोड़े लोग आए थे उन्होंने पिंड के बंद भी बिच ही सी उन्होंने पांच छः बंद उ लगे ना उ ट्रस्ट के मैंबर ने अपने को होंगे ने एक कमेटी चली आँदी पहले की बहुत चिर तो चली आँदी है हाँ बंदे फड़े गए मौके फड़े गए इतने इतने घेर रहे हो तो ही वो फड़े गए ता ही दफ कर जल्द पुलिस पहुँच गई उन्हें जल्द पुलिस फोन मारता उतों मतलब जो गल करिए इस मामले पुलिस ने भी जल्दी तो जल्दी पहुंचे इतने मौके बंदे पांच छे फड़ लियो एक दिन सत्ता थोड़ी दिन जल्दी सी वो हस्पताल वो अज भी हस्पताल दूजी एंटी पार्टी का बंदा तो मेन वो सीगा सुरिंदर सिंह सिंधी ये अपने चेयरमैन का होंगे तो उन्हें यह बंदा साल डांस करके करके पहला भी बंदे बहुत लेंदे इन्होंने जब साल पहला हो गया जब भी अजी बंदे बंदे जाने अंदर से पच्ची तीह बंदे छे सत्त अठ बंदे अंदर से बाकी इतने खड़े थी बाकी बाहर बंदे थे जाने हो गई साठ सत्तर बंदे की गिनती होनी होनी है। मतलब जो गल करिए मसला यही सीगा कि आप गुरुद्वारे साहब से कब्जा करने की नीत नाम आए थे जी बाकी धन भन तौर भी की है अंदर माता जी स्वरूप से लाए थे बड़े पोस्टर होंगे ने कंधे लाए थे वो भी ला गए स्टैंड लगे स्टैंड भी तोड़ गए जाते जाते खुर गए और गड्डिया का भी अपने फायर करते निकल गए फिर हम जब जो कट्ठा गया जो टोटल किन्ने को फायर करते होने फायर जी मेरा ख्याल भी घट्टो घट जो मैं सुने अठ नौ के करीब तो है कोई बद भी हो सकते हैं बद भी हो सकते हैं अंदरों जो फायर होया इतों गोली चली अंदर इतों गोली चली है वो गोली दे के फिर मतलब हजूम उधर हजूम पै गया तो फिर चल गया वो बंदे फिर आपकी खिसक गए थी वो पिंड ने उसे घेर ले जो बंदे मर सके उन्होंने होया और इटा पे सुई और इटा फगाई फिर मरे शीशा में जोड़ी गड्डी फायर होंगे करते थे वो गड्डी धीट नहीं आई वो नीट लगी कोई वो वालों बधे नहीं है जे कि उन्हें बधे उन्हें भी नुकसान हो सकता गड्डी गुड्डी का जो बंद का भी कर सकते हो सकते जो बहरों आए थे बंद चल के हुल्लड़बाज जो आप हुल्लड़बाज कहने तो ये बंदे बच्चे फड़े भी गए हैं धांधरे फड़े गए हैं जसवाल भी है जो गड्डी लैके जी ने गड्डी अंदर फड़ी गई है वो थाने खड़ी है गड्डी हम तो मूँह बने थे उन्होंने भी वह फिर इन्होंने बंद जब फिर गेट लवाता जी बड़े जिंदा लवाता भी ये बंद निकल मार्केट पास जो अठ नौ बंद कट्ठे अंदर फस गए ना ये ना निकल वो जो अठ नौ बंद फस गया कहे पक्का सूट बन गया जी सर बाकी तरह निकल के निकल गड्डिया अंदर मैं जो एक गल तो बहुत सारी बाहर निकलिया जाके देखा उसे कंचे कंच पिया अपने सेवादार कट्ठे कर लगे जी कंच झाड़ू नाल महाराज ये कंच कितों आ गया कह जी वो गड्डिया शीशे पाते कहते पिंड जुमने कट्ठे होती लोग बई वो गड्डिया लैके भद गए वो तो जनाब जे जानी मतलब पिंड जुमला हूँ जे मैं कोई शहरी ना वरतदा ज पिंड हमारा बहुत व्डा नुकसान होने तो जानी टल गया है ये महाराज की ऐसी कृपा हुई भाणा वरत्या आए तो चढ़ के बड़े जोश के नाल सके लेकिन बाजी उल्टी पै गई पिंड गुरद्वारा साहब के प्रधानगी लैके गुरद्वरे की कमेटी लैके एक माता साहिब कौर ट्रस्ट आ एक माता साहिब कौर कमेटी बनी हुई है प्रधानगी लैके रौला वा कमेटी को कब्जा वा दूजे पासे सुरिंदर सिंह सिंधी हुणे जिहड़ा ट्रस्ट वाला ग्रुप आ इन्होंने एक तरीक नूं कब्जे करने की कोशिश करी सी ये कुछ निहंग सिंह सीगे सत्त अठ बंदे बाई नेम ने कुछ अणपछाते ने कुछ गड्डिया के हथियार लैके आए थे आपसी उत्थे लड़ाई झगड़ा होया इन्हां दा उदो बाद पुलिस ने सलाह मिलने मैं एस एच ओ डेलो मौके पर गए हैं मौके तो एक नोवा गड्डी तो थार अंदरों मिली है जिदे विचों वैपन मिले तीन एक बारह बोल की राइफल कारतूस मिले एक रिवालवर तो एक पिस्टल तो एक नजायज पिस्टल मिले गुरद्वारा का ग्रंथी जरनैल सिंह के बयान के उत्ते असी मुकदमा दर्ज कर लिया इस मुकदमे में पांच बंदे हुण तक गिरफ्तार हो चुके हैं तो तफ्तीश जारी है पांच बंदे बाईनेम ने सत्त अठ नियंग ने सत्त अठ होर पछाते ने गुरुद्वारे ते कब्जे नूं लैके कब्जा करन आए सी काफ़ी सारे लोग इत्थे आंदे आ कब्जा करन नूं लैके झड़प खूनी झड़प हुंदी है गोलियां तक चल जांदी है ते उस तों बाद जिहड़े हैड ग्रंथी है उन्हां दा कहना है कि जिहड़ी है सूझबूझ दे नाल पुलिस नूं इतलाह दित्ती पिंड इकट्ठा हो गया उस तों बाद कई लोग पांच तों छे बंदे इत्थे मौके ते फड़ लिते गए तो ये पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिता गया है 307, 379, 595, 245A, 447, 511, 323, 120B, 148, 149, 427 IPC 25-27-54-59 आर्म एक्ट के खिलाफ जिहड़ा कि परचा वह दर्ज है जिहड़ा किया गया है।
खूनी झड़प होंदी है जिहड़ा कि गुरद्वारा साहब ते कब्जा करन नूं लैके काफ़ी सारे लोग इत्थे पहुँचते हैं। कहा जा रहा है कि उन्हां दे कोल हथियार भी जिहड़े बरामद होए, जदों पिंड दे लोग इकट्ठे हो गए तो वह इत्थों दी भजदे हुए नज़र आए। मौके पर 4 तों 5 बंदिआं नूं पुलिस ने अरैसट कर लिता गया। हुण देखना यह होगा होर बंदे पुलिस कद तक अरैसट कर सकती है जां नहीं सकती, यह आने वाला समय दसेगा। जुड़े रहो रंगला टीवी दे नाल, सौरव अरोड़ा रिपोर्ट, धन्यवाद।